नगरपुर नाम का एक गांव था। वहां के गांव वाले बहुत अच्छे थे। गांव में कुछ बच्चों की टोली हुआ करती थी। उन बच्चों की टोली में चार बच्चे हुआ करते थे, मोहन, सोहन, रोशन और निशांत। वो सभी बच्चे 14-15 साल के थे। वो बच्चे बहुत मस्ती करते थे। भाई आज हम क्या खेलेंगे, देखते हैं भाई, जो आज खेलने को मिले रास्ते में उसी से खेल लेंगे। चलो भाई हम सब ना पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। हाँ हाँ भाई चलो चलो हम पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। फिर वो सब बच्चे पकड़म पकड़ाई खेलने लगते हैं। अरे मोहन चलो चलो रोशन निशांत को पकड़ो, नहीं तो हम हार जाएंगे। हाँ हाँ जल्दी पकड़ो। अरे जाओ जाओ तुम सब मुझे पकड़ ही नहीं पाओगे, मैं तुम सबसे तेज भागता हूँ। निशांत भागते भागते एक दूसरी जगह पहुँच जाता है। वो जगह बड़ी सुनसान सी होती है। अरे ये कैसी जगह है, बड़ी शांति है यहाँ तो। कुछ दूर चलते ही निशांत को एक टायर मिलता है। निशांत उस टायर को लेकर अपने दोस्तों के पास जाता है। अरे दोस्तों देखो देखो निशांत आ गया है। अरे हाँ हाँ पकड़ो पकड़ो उसे जल्दी। रुको रुको मैं जाके उसको अभी पकड़ता हूँ। रोशन जैसे ही निशांत को पकड़ने जाता है तो निशांत खुशी से उसे वो टायर दिखाता है। अरे अरे देखो मुझे क्या मिला। अरे वाह ये तो बढ़िया है। हाँ यार चलो अब हम इसी से खेलेंगे। फिर वो सब एक लकड़ी से टायर को घुमाने वाला खेल खेलते हैं। वो सभी बच्चे अब पूरा दिन उसी से खेलते रहते हैं। वो उसी टायर को हाथ में लकड़ी लेकर घुमाते रहते थे। खेलते खेलते उन्हें रात हो जाती है। वो उस टायर के साथ खेलने में इतना मगन हो जाते हैं कि उनको घर जाने का ध्यान ही नहीं था। उन सबकी माँ उन्हें ढूंढ रही होती है। अरे सोहन बहुत देर हो गई है, चल घर आ जा। अरे मोहन देर हो गई है, तू भी आ जा। वैसे हमारे बच्चे खेल किस चीज से रहे हैं जो आज इतनी देर हो गई उनको। हाँ रोशन की माँ मैं भी यही देखकर हैरान हूँ। फिर सारे बच्चे अपनी माँ के साथ घर चले जाते हैं। अरे बेटा एक बात बताओ, तुम सब आज इतनी देर तक कैसे खेलते रह गए? पहले तो शाम होने से पहले ही खेल कर वापस आ जाते थे। अरे माँ आज ना निशांत को एक साइकिल का टायर मिला था तो हम उसी से खेलने लगे थे, बड़ा मजा आया था। अगले दिन वो सब बच्चे फिर उसी टायर से खेलने लगते हैं। वो बच्चे उस टायर को पूरे गांव में घुमाते थे। सारे गांव वालों ने उनकी टोली का नाम भी टायर चलाने वाले बच्चे रख दिया था। एक दिन वो सब बच्चे गांव की एक सड़क पर टायर चला रहे थे, तभी पीछे से कोई गाड़ी लेकर आया और उस गाड़ी का ब्रेक फेल होने की वजह से गाड़ी उन बच्चों से टकरा जाती है। गाड़ी वाला डर के मारे वहां से वापस चला जाता है और बच्चे वहीं तड़प तड़प कर मर जाते हैं। फिर वो सभी बच्चे भूत बन जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, हम सब भूत बन गए। उस गाड़ी वाले की वजह से हमारी मौत हो गई और हम भूत बन गए। एक काम करते हैं, हम अभी वहाँ झाड़ियों में छुपकर यहाँ पर नजर रखते हैं, देखते हैं कि हमारे घर वाले यहाँ आते हैं कि नहीं। बहुत रात हो जाती है। फिर उन सब की माँ अपने बच्चों को ढूंढने लगती है पर वो बच्चे किसी को नहीं मिलते। सभी घबरा जाते हैं। फिर जब वो सब गांव की सड़क पर तलाश करने गए तो वो सब बहुत चौंक गए। हाय मेरा बच्चा ये क्या हो गया। अरे मेरे बच्चे को क्या हो गया। सब बच्चों की माँ अपने बच्चों की लाश देखकर बहुत रोती है और फिर उनका अंतिम संस्कार कर देती है। अंतिम संस्कार के बाद भी बच्चों के भूतों को मुक्ति नहीं मिलती है। अब जब तक हम उस गाड़ी वाले को नहीं ढूंढ लेते तब तक हम शांत नहीं होंगे। हाँ मोहन तुमने सही कहा, अब हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हाँ उसकी वजह से हमारे घर वाले कितना रोए हैं। फिर उन बच्चों के भूत उस गाड़ी वाले को ढूंढने जाते हैं। कुछ दिनों बाद उनको वो गाड़ी वाले का घर पता चल जाता है। अब तो हमें इस गाड़ी वाले का घर भी पता चल गया। हाँ सही कहा, अब हम इसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन भाई अब हम करेंगे क्या, अब उस गाड़ी वाले को परेशान करेंगे। वो ये बात जान चुका है कि हम मर चुके हैं, अब हम उसे डरा कर परेशान करेंगे। हाँ तुमने सही बोला, हम ऐसा ही करेंगे। एक दिन वो गाड़ी वाला रात को दारू पीकर अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी वो बच्चों का भूत टायर लेकर उसके सामने से गुजर जाता है। गाड़ी वाला आदमी बहुत डर जाता है।
अरे बाबा रे, ये क्या था? ये बच्चे जिंदा कैसे हैं? इन्हें तो मैंने अपनी गाड़ी से टक्कर मारी थी। अगर ये जिंदा ही बच गए हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, मुझे पुलिस पकड़ सकती है। अब क्या करूं, क्या करूं? वो गाड़ी वाला थोड़ी दूर जाकर उन बच्चों को ढूंढने की कोशिश करता है, पर वो बच्चे उसे नहीं मिलते हैं। वो बहुत घबरा जाता है। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली है, इसीलिए वहम हो रहा है उन बच्चों के होने का। वो तो वैसे भी मेरे ही सामने इतनी बुरी तरह से घायल हो गए थे। फिर वो आदमी अपने घर चला जाता है। अब हम क्या करें? वो तो इतना डरा ही नहीं जितना हम उसे डराना चाहते थे। हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें उसे और डराना चाहिए। अगले दिन फिर उन बच्चों का भूत उस आदमी के घर के सामने टायर से खेलने लगता है। जैसे ही वो आदमी अपनी खिड़की से उन बच्चों के भूत को खेलते हुए देखता है, तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बाप रे, ये कैसे हुआ? ये सब बच्चे तो मर गए थे, मतलब ये उनका भूत है। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? अब मुझे कुछ तो करना होगा। हाँ, कुछ तो करना होगा। फिर वो उन बच्चों को पकड़ने के लिए घर से बाहर निकलकर उनका पीछा करता है। अब क्या करें? ये तो हमारा पीछा कर रहा है। कुछ नहीं, बस उसको अपने पीछे भगाते रहो। वो आदमी उनका बहुत दूर तक पीछा करता रहता है। फिर थोड़ी दूर जाकर ही वो बच्चों का भूत गायब हो जाता है। वो आदमी बहुत घबरा जाता है। फिर वो डर के मारे भागते भागते पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस से मदद मांगता है। अब क्या होगा? अब तो ये सीधा पुलिस स्टेशन चला गया। अब कुछ नहीं होगा। अब ये डर के मारे पुलिस को सब सच सच बता देगा। हाँ, अब तुम सब सिर्फ देखते जाओ। अभी मजा आएगा ना भिड़ू। पुलिस, पुलिस, मुझे बचा लो। वो मेरे पीछे पड़े हैं। देखिए, आप डरिए मत। जो भी बात है साफ साफ बताइए, ताकि हम आपकी हेल्प कर पाएं। पुलिस, मैं कुछ दिनों पहले किसी गांव में गया था, क्योंकि मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था, तो कुछ बच्चे मेरी गाड़ी के सामने आके टकरा कर मर गए। और डर की वजह से पुलिस को भी इस बारे में पहले नहीं बताया। जब वो मेरी गाड़ी के सामने थे, तब वो टायर को किसी लकड़ी से घुमा घुमा कर खेल रहे थे। अब उन बच्चों का भूत मेरे पीछे पड़ा है। वो जब भी मुझे दिखाई देते हैं, तो वो भी किसी टायर को लकड़ी से घुमा घुमा कर खेल रहे होते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा, तो ये बात है, तो तुमने जुर्म किया है, तुम्हें जेल होगी। और ये भूत वूत कुछ नहीं होता है। अरे नहीं, मैंने डर के मारे पुलिस को सब सच बता दिया। अब मुझे जेल जाना पड़ेगा। पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसे जेल हो जाती है। बच्चों के भूत ये सब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, यही तो हम चाहते थे। हाँ, जिसने हमारा एक्सीडेंट किया था उसको जेल हो गई। उसके साथ बिल्कुल सही हुआ। उसने इस बात को छुपाकर बहुत बड़ी गलती की। अगर वो हमें बिना घबराए उसी वक्त हॉस्पिटल ले जाता, तो आज उसे जेल नहीं होती। और ऊपर से उसने इस बात को छुपाए रखा, उसकी वजह से हमारे घर वाले कितना रोए। बस एक बार गांव जाकर अपने अपने घर वालों को देख आते हैं, तब हमें मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। बच्चों के भूत जब गांव जाकर अपने घर वालों को देखते हैं, तो उन्हें बहुत दुख होता है। हमारे घर वाले कितना दुखी है ना। हाँ, मेरी मम्मी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है। भाई, मुझे तो अपने घर वालों की बहुत चिंता हो रही है। भाई, चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हम उनके लिए कर ही क्या सकते हैं। अब जो होगा भगवान खुद देख लेंगे। हाँ भाई, सही कह रहे हो। फिर उन बच्चों की आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है।